हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुणाल नुहाने और मैं आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो गाइस, जो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके क्लास 12th में भी, इवन तक कि आपके रियल लाइफ में, इफ आप आगे जाके ट्रेडिंग इसमें जाने वाले हैं तो बहुत यूज़फुल है। और इसमें टोटल है 16 यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने कुछ प्रोसीजर्स लिखे हैं। ये बेसिकली एक प्रोसीजर है एक्सपोर्ट प्रोसीजर करने का। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर 16 है, बट रियल इसमें 17 प्रोसेस इन्वॉल्व है। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस एक बार आपको समझ में आ गया, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। सो जी, आपको अच्छे से समझाने के लिए ये वीडियो मेरे को थोड़ी सी लंबी बनानी पड़ेगी। आप चिल्लाइएगा मत, शायद से मेरे को इसको सब डिवाइड करना पड़ेगा इस एक्सपोर्ट प्रोसीजर को। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट इसी में नहीं गवाते हैं, फटाफट करते हैं। देखिए, आप सभी जानते होंगे पिछले वाली क्लास में बताया था एक्सपोर्ट के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और एक बार चीज़ जान लीजिए इसे चालू होने से पहले, क्योंकि अगर मैं बताने लगे और आपको एक्सपोर्ट का मतलब ही नहीं पता तो बड़ी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ओके, सो इसलिए आप एक बार सुन लीजिए। एक्सपोर्ट मतलब जब आपकी कंट्री, ये आपकी कंट्री, ओके, आपकी कंट्री जब कोई और कंट्री को अपना सामान सेल करती है, बेचती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सपोर्ट करना। ओके, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट करना। ओके, और वहीं पर मैं आपको बोलूं, जब आपकी कंट्री कोई और कंट्री से सामान परचेज करके अपनी कंट्री में लाती है, सो उस प्रोसेस को कहा जाता है इंपोर्ट करना। एंड वन मोर थिंग, बेसिक बहुत याद है, आपको पता होना चाहिए कि देखिए, एक्सपोर्ट करना हर कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात होती है और इंपोर्ट करना हर कंट्री के लिए बहुत गलत बात होती है। इसका रीज़न सुनिए, जब आप सेल करते हैं सामान, ठीक, उसके बदले में ये कंट्री आपको क्या करेगी? मनी देगी, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब आपकी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, क्योंकि आपको मनी मिल रही है। अब जी, अब जब इंपोर्ट करते हैं, जब आप कोई और कंट्री से सामान खरीदते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस कंट्री को मनी देनी पड़ेगी, है ना? तो जी, वो एक कंट्री के इकोनॉमी के लिए बहुत गलत बात है। इसलिए कहा जाता है कि एक्सपोर्ट करना हमेशा अच्छा रहता है, इंपोर्ट करना हमेशा बेकार रहता है। ये तो बेसिकली जनरल नॉलेज था। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको सभी से और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि एक्सपोर्टर कौन होगा फिर? ठीक, बेसिकली एक्सपोर्टर वो पर्सन रहता है जो आपकी कंट्री का सामान दूसरी कंट्री को बेचता है, उसे एक्सपोर्टर कहते हैं। और इजी मीनिंग में बताओ, सो बेसिकली एक्सपोर्टर मतलब होता है सेलर। अब जी, वहीं पर इंपोर्टर की बात बाद में करेंगे। सो बेसिकली एक्सपोर्टर समझ में आ गया, चलिए इंपोर्टर भी बता ही देते हैं हम आपको। जी देखिए, इंपोर्टर, अब इंपोर्टर कौन होता है बेसिकली? अब इंपोर्टर वो पर्सन होता है जो आपको उसका जो आप मतलब जिस कंट्री से आपने सामान मंगाया, सो वो जो पर्सन जिसने आपको सामान बेचा, उस पर्सन को कहते हैं इंपोर्टर। ठीक, इन द अदर वर्ड्स में आपको और इजी शब्दों में बताओ तो उसका इंपोर्टर मतलब होता है बायर। ओके, आप ऐसा भी समझ सकते हैं अभी के लिए। तो जी बेसिकली अभी एक्सपोर्ट प्रोसीजर शुरुआत करना है। सो बेसिकली हम लोग यही पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ लगती है। सो बेसिकली ये पूरे प्रोसीजर्स है जो हम लोग को लाइन बाय लाइन कवर करने हैं। आई थिंक कि मैं पूरे आज ही नहीं कवर कर पाऊंगा, पर ट्राई करूंगा जितना जल्दी से जल्दी हो पाए। ओके, सो गाइस, जैसे फर्स्ट जो प्रोसीजर है वो है रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। ओके, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। सो गाइस देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस है हमारा रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। जी इसे हम स्टोरी से समझते हैं। ठीक, सो जी मैं यहाँ पर दो पर्सन लेता हूँ। फर्स्ट पर्सन, मैं बिलोंग टू इंडिया। ये पर्सन, और जी सेकेंड है ये पर्सन। अब जी ये जो पर्सन है, ये आप इमेजिन कीजिए कि ये आप हैं। एंड ये जो पर्सन है, इसका नाम है लुइस, जो कि फ्रांस से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर सिचुएशन देखिए,
अब जी देखिए यहाँ पर और एक चीज़ लीजिए, आप मतलब आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, अगर आप कहीं और कंट्री से ही बिलोंग करते होंगे तो अपने आप को इमेजिन कर लिया अभी के लिए कि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। ओके सो गाइस, जो मिस्टर लुईस जो फ्रांस से है, वो चाहते हैं कि वो आपकी कंट्री में जो मोबाइल बनते हैं उसको चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ माइक्रोमैक्स। ओके सो मिस्टर लुईस चाहते हैं कि वो हमारी इंडिया से माइक्रोमैक्स का सामान ले, बट जी मिस्टर लुईस को आइडिया नहीं है कि भाई कैसे कैसे मोबाइल्स रहते हैं, कैसे कैसे लैपटॉप्स रहते हैं, टच स्क्रीन वाले या फिर कह सकते हैं वो जो पुराने ज़माने के जैसे टाइप के रहते हैं। तो मिस्टर लुईस को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, ठीक है। बट मिस्टर लुईस माइक्रोमैक्स के बारे में बहुत सुने हैं, वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री से वो वाला कंपनी का प्रोडक्ट ले। तो जी मिस्टर लुईस क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, मिस्टर लुईस एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और ये डॉक्यूमेंट आपको दे देंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट का नाम है, इस डॉक्यूमेंट का नाम है रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी। ओके इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी। इसमें बेसिकली मिस्टर लुईस लिखेंगे कि मुझे माइक्रोमैक्स का मोबाइल चाहिए, और उसके साथ साथ मिस्टर लुईस लिखेंगे कि मुझे बताइए कि माइक्रोमैक्स में कौन कौन से मोबाइल अवेलेबल है, उनके उस मोबाइल के मॉडल कौन कौन से अवेलेबल है, और हर मॉडल के प्राइस क्या क्या है। सो मिस्टर लुईस ऐसा डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट बना के ये सब चीज़ें लिख देंगे और आपको भेज देंगे, ठीक। तो जी अब आप क्या करेंगे, अब जी आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ गया। ओके अब आप क्या करेंगे, अब आप ये डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ने के बाद आप भी एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक। अब आप भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे और ये डॉक्यूमेंट देंगे मिस्टर लुईस को। अब जी बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक ये जो डॉक्यूमेंट का नाम है परफॉर्मा इनवॉइस। सो बेसिकली आप इस डॉक्यूमेंट में जो मिस्टर लुईस ने क्वेश्चन पूछा था आप उसका क्या करोगे, रिप्लाई करोगे, आप कॉड सेंड करोगे। बेसिकली कॉड का मतलब होता है रिप्लाई करना। ओके कॉड का मतलब क्या होता है, रिप्लाई करना। तो आप क्या करोगे, उनको एक रिप्लाई भेजोगे, और जी ये जो डॉक्यूमेंट का नाम है, इस डॉक्यूमेंट का नाम है परफॉर्मा इनवॉइस। अब बेसिकली आप इसमें सब चीज़ लिखोगे कि भाई मेरे पास ये मोबाइल है, ये इसके इसके ये मॉडल है, इनके ये प्राइस है, इनका शेप ऐसा है, इनका वेट ऐसा है, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ लिख के इस डॉक्यूमेंट में जिसका नाम है प्रोफॉर्मा इनवॉइस, इसमें लिख के आप मिस्टर लुईस को दे देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, अब जी आप सभी को समझ में आ गया रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी किसने, लुईस ने भेजा था, और जिस सेंडिंग कोटेशन आपने एक रिप्लाई दिया था उसको प्रोफॉर्मा इनवॉइस के जरिए, ठीक। अब जी सेकेंड केस में आइए गाइस, जो अब सेकेंड पॉइंट है वो है रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। ओके सो चलिए इसके बारे में सीखते हैं। सब आगे की कहानी सुनिए। अब जी जो मिस्टर लुईस हैं और ये हैं आप। ओके अब जी देखिए ऊपर वाले केस में आपने परफॉर्मा इनवॉइस बना के मिस्टर लुईस को दे दिया, अब मिस्टर लुईस क्या करेंगे, उस परफॉर्मा इनवॉइस को जो आपने दिया है उसे रीड करेंगे, और जी उसमें वो पूरे उनको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे कि भाई कौन कौन से मोबाइल है, क्या क्या शेप है, क्या क्या वेट है, उनके प्राइस क्या है, और हर मोबाइल की प्राइस क्या है, वो वगैरह वगैरह हर चीज़ वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और फिर मिस्टर लुईस को जो भी मोबाइल अच्छा लगेगा वो क्या कर लेंगे, बुक क्लिक कर लेंगे। सपोज़ कीजिए मिस्टर लुईस को लगा ये वाला मोबाइल अच्छा, ठीक, तो मिस्टर लुईस क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। अगेन मिस्टर लुईस एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और वो उसमें लिखेंगे कि मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए, है ना, और उसके साथ साथ वो लिखेंगे कि मुझे अराउंड 900 पीसेस चाहिए, उसकी जो टोटल कॉस्ट है 5 करोड़,
सॉरी, एक काम कीजिए, 5 करोड़ भी ज़्यादा बोलिए, आराम से ले लीजिए अप्रॉक्स 5 लाख। तो ठीक है, तो मिस्टर लुइस बस क्या लिखेंगे, जो परफॉर्मा इनवॉइस आपने दिया था उसको रीड करेंगे, और उसमें से उनको जो भी प्रोडक्ट होगा वो क्या करेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट है उसको बनाए, इस डॉक्यूमेंट मिस्टर लुइस एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसमें लिख देंगे कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, कितना क्वांटिटी में चाहिए, उसका शेप वेप जो भी है वो सब चीज़ इसमें लिख देंगे, और क्या करेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको भेज देंगे, आपको इसमें वो ऑर्डर लिख के भेज देंगे। ओके, उसमें क्या करेंगे, ऑर्डर रिसिप्ट बनाएंगे जिसमें वो लिख देंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतना 900 पीसेस चाहिए, और वो ऑर्डर आपको दे देंगे। अब जी यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज होता है कि ये डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है। ठीक, ये डॉक्यूमेंट को कहा जाता है इंडेंट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, इंडेंट कहा जाता है, या फिर रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट कहा जाता है। आ गया कंसेप्ट। अब जी थर्ड कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो जी, जो थर्ड कंसेप्ट है, जो थर्ड प्रोसेस है वो मैं लिख देता हूँ। ओके गाइस, सो जो थर्ड प्रोसेस है आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है एसेसिंग इम्पोर्टर्स क्रेडिट क्रेडिट वर्थनेस एंड सिक्योरिटी पेमेंट। ओके, सो जी बेसिकली थर्ड इसमें ये आप हैं। ओके अगेन, अब आपके क्वेश्चन में, मतलब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा पक्का पक्का, हर ट्रेडर के इसमें होता ही है कि जी ये जो सामने वाला जो पार्टी है, आपके क्वेश्चन आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई ये सामने वाला जो पार्टी है ये सही में बायर है कि नहीं, कि भाई ऐसी कोई भी फ्रॉड आदमी है, आपके क्वेश्चन में अराइज होगा, क्योंकि भाई इसको आपको 50 लाख की डील है। ठीक, तो आपको हमेशा एक तरीके से गारंटी होनी चाहिए कि भाई जो सामने वाला जो बंदा है वो असली है कि नहीं, कि ऐसी कोई फ्रॉड है। ठीक है, तो आप क्या इसमें क्या करोगे, आप ये जो मिस्टर लुइस हैं इसको बोलोगे कि भाई तुम मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दे, लेटर ऑफ क्रेडिट दे। आप क्या करोगे, डिमांड करोगे, आप इस मिस्टर लुइस से डिमांड करोगे लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। ठीक, अब ये जी लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, तो जी ये लेटर ऑफ क्रेडिट मिस्टर लुइस को आपको देना पड़ेगा। तो जी मिस्टर लुइस, अब अलग अलग क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि भाई ये लेटर ऑफ क्रेडिट मिस्टर लुइस को कैसे मिलेगा। ठीक, तो जी ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये मिस्टर लुइस को बैंक से मिलेगा। ठीक, मिस्टर लुइस को ये बैंक से मिलेगा। मिस्टर लुइस लेटर ऑफ क्रेडिट करने के लिए और अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए कि भाई मतलब आपको सही में दिखाने के लिए कि भाई मैं असली का बायर हूँ, तो उसे वो सब चीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक के पास जाना पड़ेगा, और ये जाके बैंक को बोलेगा कि बैंक मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दो, जो भी उसके फ्रांस में जो भी बैंक होगा उसका वाला, तो उस बैंक में जाएगा, बोलेगा कि मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, मैंने 50 लैक्स का इंडिया से प्रोडक्ट मंगाया है, मेरे को उसका बिजनेस मेरे को वो प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए आप मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दीजिए। ठीक, सो जी बैंक उस समय क्या करेगा, आपके पूरे ट्रांजैक्शंस को चेक करेगा। बैंक भी ऐसी नहीं है कि उठा के दे देगा, भाई तू मेरे बैंक से तेरा है तो तू ले ले करके, ऐसे कुछ नहीं। तो बैंक भी उसे चेक करेगा कि भाई जो मिस्टर लुइस हैं ये सही में पैसा दे पाएंगे कि भी नहीं। तो उसमें वो क्या क्या करेंगे, मिस्टर लुइस के जितने भी अकाउंट्स हैं वो चेक करेंगे, उनका बिजनेस क्या है वो चेक करेंगे, प्रॉपर्टी क्या है वो चेक करेंगे, ये सब चेक करके बैंक वाला क्या करेगा, मिस्टर लुइस को लेटर ऑफ क्रेडिट देगा। ठीक, मिस्टर लुइस को ये लेटर ऑफ जो क्रेडिट है ये देगा। ठीक, मिस्टर लुइस को, अब जी मिस्टर लुइस क्या करेंगे, अब जी मिस्टर लुइस को लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो हमें ये लेटर ऑफ क्रेडिट हमें देंगे, है ना। अब इससे आपको पता चल गया कि भाई ये सामने वाला जो बंदा है ये असली लुइस है, ये असली का मतलब ट्रेडिंग करना, असली में प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, कोई फ्रॉड नहीं है। आपको लेटर ऑफ क्रेडिट में बेसिकली यही जानना रहता है कि भाई जो सामने वाली जो पार्टी है वो सही में कैपेबल है कि नहीं, पैसा दे दे पाएगी कि नहीं, कि ऐसा ही नहीं हो जाए कि आपने उसको पूरा प्रोडक्ट भिजवा दिया उसकी कंट्री में और जी पैसा ही नहीं दे पाए। ठीक, सो जी उस केस मतलब आप उस झंझट से बचने के लिए आप लेटर ऑफ क्रेडिट मिस्टर लुइस से मांगे। सो उस मिस्टर लुइस ने क्या किया, बैंक के पास गए और उस बैंक ने उनसे सब चीज़ पूछा, और जी बैंक भी जब सेटिस्फाई हो गया कि हाँ मिस्टर लुइस कैपेबल है, तो वो क्या कर देंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट मिस्टर लुइस को देंगे और मिस्टर लुइस आपको दे देंगे। अब जी फोर्थ प्रोसेस,
ठीक गाइस। सो जी देखिए, अब जी जो अगला है वो है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। ठीक, अब जी पिछले वाले केस में आपको यकीन हो गया कि हाँ भाई ये मिस्टर लुइस असली बंदा है, धोखा नहीं देगा, इतना आपको पता चल गया। इवेंट तक आप दोनों के बीच में डील हो गई कि क्या आपको क्या उससे भेजना है। ठीक, ये सब सब डिसाइड हो गया। अब जी अब क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब जी एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको 3 स्टेप में मिलेगा। सबसे पहले आपको आईईसी, जिसका फुल फॉर्म है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, सबसे पहले आपको ये लेना पड़ेगा। फिर आपको आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ये आपको लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको ईसीजीसी लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ओके, इसके बाद फाइनली जाके आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाएगा। सो बेसिकली हम ये एक बार सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो जी सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको किधर से मिलेगा। तो जी इसको लेने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा आपके आसपास में कहीं भी एक रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी, उसके पास जाना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक, तो जी सबसे पहले आपको आसपास में इसके पास जाना पड़ेगा। आईसी लेने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। ये एक प्लेस है, रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। हैंड राइटिंग गंदी है मानता हूँ, इसलिए मैं आप सभी को बता दिया हूँ बोल के। ठीक, इसके पास आपको जाना पड़ेगा। ये आपको आईसी नंबर देगा, ऐसा नहीं है कि आप गए और आपको मिल जाएगा। इसके लिए भी कुछ कुछ आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ है आपको जी, सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको कुछ कुछ इन लोग डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो आपको फिलअप करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट प्रोसीजर जिसे कहते हैं। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे इनको। ठीक, वो मैं डॉक्यूमेंट भी लिखा देता हूँ एक बार, जस्ट फॉर अ नॉलेज। ठीक, सो गाइस यहाँ पर बेसिकली मैं लिख दिया हूँ, आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट प्रोसीजर तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे पर्सनल डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा, आपकी पर्सनल, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यही सब चीज़। और आपको पे फॉर आईसी कोड, अब जी आपको जो पेमेंट करेंगे आईसी बनाने के लिए, वो आपको क्या करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अब जी जो अगला क्वेश्चन आता है, ये कॉशन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CAUTION, CAUTION बेसिकली ये कॉशन लिस्ट क्या होता है। ठीक, सो बेसिकली कॉशन लिस्ट मतलब इसमें आपको बताना रहता है कि आप जो भी सामान आप बेच रहे हैं बाहर की कंट्री को, वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है। ठीक, बेसिकली आपको कॉशन लिस्ट में ये लिखना रहता है कि जो भी आप सामान बेच रहे हैं वो सामान सही है, मतलब लीगली भेज रहे हैं और कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आपको कॉशन लिस्ट में आपको वही बताना पड़ता है। ठीक, सी फिर क्या होगा, ये रीजनल आप जब सबमिट कर देंगे, उसके बाद जी ये रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, सब आपका जितना भी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स है चेक करेगी। अगर जी ये रीजनल इंपोर्ट लाइसेंस रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगा कि आप सही हैं करके, आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट है अगर उससे सेटिस्फाई हो गई, तो जी वो आपको आईसी नंबर दे देगी। ठीक, अब जी इसके बाद जी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, जो कि आरसीएमसी। ओके, आरसीएमसी, अब जी अब आपको क्या करना पड़ेगा, आरसीएमसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली इसमें क्या रहता है, सीधी सीधी बात आप याद रखिए, ये या आपको डिस्काउंट को लेने के लिए हेल्प करती है ना, डिस्काउंट को लेने के लिए हेल्प करती है, बस आप इतना ही चीज़ याद रखिए। अब जी आरसीएमसी लेने के लिए आप 3 जगह जा सकते हैं, उनके नाम मैं लिख देता हूँ। सो गाइस आरसीएमसी लेने के लिए आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, या फिर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और भी बहुत सारे रहते हैं, आप इनके पास जाके आरसीएमसी अप्लाई कर सकते हैं, आरसीएमसी के लिए आप रिप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये आपको डिस्काउंट देने के लिए आपको हेल्प करती है। ओके, सो बेसिक इसका यही कंसेप्ट है। और एक चीज़ आप सभी को बताना है कि जी आरसीएमसी लेने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक, इस डॉक्यूमेंट को भी बता देता हूँ। ठीक, जब जैसे ही आरसीएमसी के लिए आप इनमें से कोई भी ऑफिस में जाओगे, तो जी आपको दो चीज़ें सबमिट करने लगी, दो चीज़ सबमिट करनी पड़ेगी, बैंक सर्टिफिकेट एंड आईसी, जो कि आपने यहाँ पर किया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये चीज़ जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको आरसीएमसी मिल जाएगा। बेसिकली ये रहता किस लिए, ये आपको फ्यूचर में आपको कभी भी कुछ होगा तो डिस्काउंट मिलने के लिए हेल्प करता है। ओके, अब जी आखिरी की ओर बढ़ते हैं।
ECGC, इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, अब जी इसका भी एक मेन मोटिव रहता है, ये बेसिकली सिक्योरिटी के लिए रहता है, आपको सिक्योरिटी देने के लिए ये बेसिकली आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। फॉर एग्जांपल जैसे आप फ्रांस में दे रहे हैं सामान, बीच रास्ते में कुछ हो गया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसमें क्या बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी हेल्प करेगी, आपको फाइनेंस के लिए, थोड़ी बहुत फाइनेंस के लिए आपको हेल्प करेगी, तो ये बेसिकली एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है रिस्क से। ओके सो जी इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बस इतना ही है। ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस में सबसे पहले आपको लाइसेंस के लिए आपको पहले आईसी को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आरसीएमसी, उसके बाद ईसीजीसी, फिर फाइनली आपको जाके लाइसेंस मिल जाएगा। ओके तो जी अब चलते हैं फिफ्थ इसमें। सो गाइस जो फिफ्थ प्रोसेस है वो है ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। बेसिकली देखिए अब जी आपको लाइसेंस भी मिल गया, आप दोनों को एक दूसरे को जान गए, आप दोनों को एक बीच में डील हो गई है ना। सो जी अब क्या है ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस बेसिकली, अब इसमें क्या रहता है, अब जी जैसे आप अब माइक्रोमैक्स की कंपनी में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ पर माइक्रोमैक्स बनता है उसके पास आप जाएंगे, आप जैसे ही कंपनी में जाएंगे तो कंपनी वाले को आप बोलेंगे कि भाई इतना पूरा कितना था ऑर्डर, मिस्टर लुइस ने जो है 900 ऑर्डर दिया है वो आपको बना के देना है, तो जी कंपनी वाला बोलेगा भाई ऐसे नहीं बना सकते, तू पहले एडवांस ला के दे, पहले हम लोग को एडवांस चाहिए, जिसके का एडवांस मिलेगा तो हम लोग रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे फिर बनाना चालू करेंगे। ठीक, तो जी अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ऑप्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टेनिंग मतलब होता है प्राप्त करना, प्री मतलब होता है पहले, शिपमेंट मतलब शिप के पहले, और फाइनेंस मतलब होता है मनी, मतलब आपको शिप से पहले जो कि फाइनेंस की ज़रूरत है, मतलब जी रॉ मटेरियल्स के लिए बेसिकली, मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मनी रिक्वायर्ड फॉर रॉ मटेरियल्स बेसिक, ठीक, आपको इसके लिए क्या पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है मनी रिक्वायर्ड फॉर रॉ मटेरियल्स, इसके लिए आपको क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की। तो जी सबसे पहले आपको फाइनेंस चाहिए रहेगा, उसके बाद मतलब बेसिकली ये प्रोसेस में यही है कि आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको कंपनी को कुछ एडवांस पैसा वैसा कुछ देना पड़ता है, तभी जाके उसके बाद कंपनी को जैसी रॉ मटेरियल्स मिलेगा वो प्रोसेस करना चालू करेगी, बनाना चालू करेगी। सो जी अब जो सिक्स प्रोसेस है वो है, ठीक, सो गाइस जो पिछले वाली जो थी, अब जी अगला वाला है जो प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूमेंट ऑफ गुड्स। सो बेसिकली आपने तो अब प्री शिपमेंट फाइनेंस को कर लिया, अब जी आप जाओगे कंपनी के पास और कंपनी को पैसा दे दोगे, तो जी कंपनी रॉ मटेरियल्स को ले लेके अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो मेन काम है वो चालू कर देगी। सो बेसिकली इसमें क्या रहता है, कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग काम जो रहता है वो स्टार्ट कर देती है, ठीक, क्योंकि आपने उन्हें पैसा दे दिया। अब जी जो सेवेंथ स्टेप है, या आप कह सकते हैं सेवन, ठीक गाइस, सो जी अब जो अगला वाला है वो है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। सो गाइस अब हम लोग ने आपसे मैं पूछूँ तो हम लोग ने क्या किया था, पहले सबसे पहले फाइनेंस का जुगाड़ पानी किया रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए, उसके बाद हम लोग ने कंपनी को दे दिया तो वो मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दी। सो गाइस अब ये वाला टॉपिक को छोड़िए, उससे पहले इधर देखिए, ठीक, अब जी कंपनी क्या कर दी, माइक्रोमैक्स के मोबाइल बनाना चालू कर दी है ना, चालू कर दी माइक्रोमैक्स के बनाना चालू कर दी। बस अब क्या है, तो अब इस पॉइंट में आपको बेसिकली क्वालिटी को मतलब देखना है कि भाई ये जो कंपनी है माइक्रोमैक्स की, ये भाई क्वालिटी अच्छी बना रही है कि नहीं, जी एक इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है कि नहीं, ठीक, मतलब कि बहुत अच्छी क्वालिटी से मंगा रही है कि नहीं, क्योंकि दी जैसे देखिए ये मिस्टर लुइस, ठीक, जानते होंगे अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा, ठीक, ये आप, तो जी मिस्टर लुइस को अगर पता चला कि जी उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत बेकार क्वालिटी का है, तो जी सबसे पहले आपको ही आके मारेंगे है ना, ये मिस्टर लुइस आपको ही आके मारेंगे, तो जी उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस ये जो क्वालिटी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मोबाइल, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, ठीक, कि कंपनी अच्छी क्वालिटी से मैन्युफैक्चर कर रही है कि नहीं, अच्छे तरीके से कर रही है कि नहीं, ठीक, तो वो आप तीन इससे कर सकते हैं, आप चेक वो तीन इससे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन का मतलब होता है चेक करना, तो आप क्या कर सकते हैं, तीन चीज़ों में से मतलब तीन
चॉइस में से आप कोई भी ये तीन में से आप चेक कर सकते हैं। तो जी सबसे पहला है कंसाइनमेंट इंस्पेक्शन। बेसिकली आप जैसे आपके पूरे गुड्स जैसी कंपनी है तो जी जैसे ये गुड्स पूरे तैयार कर देगी, पूरे रेडी कर देगी, तब आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो एक्सपोर्ट काउंसिल को। एक्सपोर्ट काउंसिल को आपको लेके जाना पड़ेगा और फिर जैसे ही पूरा प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, तो मतलब पूरा प्रोडक्ट जैसे ही बन जाएगा रेडी होगा, तो जी आप ये एक्सपोर्ट काउंसिल को बोलेंगे कि ये चेक करने के लिए सामान। अगर जी सामान अच्छा रहा तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन दे देगी। ठीक। और वैसे ही ये है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जी आप एक्सपोर्ट काउंसिल को जैसी मैन्युफैक्चरिंग होता होगा, जैसी हो रहा होगा, तो उसके बीच में जाके चले जा सकते हैं कंपनी में जाके मैन्युफैक्चरर वाली, और उसको ये एक्सपोर्ट काउंसिल को बोल सकते हैं कि चेक कर लो कि अच्छे क्वालिटी से मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। अगर अच्छी करी होगी तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन दे देगा। और ये सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये बेसिकली कोई बड़ी बड़ी कंपनी जैसे जी अपनी एप्पल हो गई, ठीक, एप्पल कंपनी, सैमसंग हो गई, सोनी हो गई, ये सब कंपनीज क्या रहती है, इनको अपनी प्रोडक्ट्स से चिंता रहती है, तो एक तरीके से अपना ही खुद वेरीफाई कर देते हैं, अपनी खुद अपने आप को ही खुद सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं इन लोग, मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनीज खुद अपने आप को सर्टिफिकेट दे देती है। ठीक, क्योंकि वो भी चाहती है कि उनका क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट में कोई खराबी ना आए करके। सो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक, तो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन मतलब जी जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे आपने पहले प्री शिपमेंट फाइनेंस कर लिया, कंपनी को पैसा दे दिया रॉ मटेरियल से सब खरीदने के लिए, अभी कंपनी अपने इसमें ला दी रॉ मटेरियल सब, वो बनाना चालू कर दी, तो जी अब बनाती रहेगी तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि भाई वो अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रही है कि नहीं, बस बेसिकली यही चीज़ है और कुछ नहीं। सो गाइस अभी बहुत लेंथी हो गया इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूँ, अब मेरे को लग रहा है इसका भी सेकेंड पार्ट बनाना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, ये बिजनेस स्टडीज क्लास 11, ठीक, और ये जो टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ठीक, ये बेसिकली मैं यहाँ पर डाल दूंगा ए पार्ट। ठीक, ये जो अभी पढ़ाया वो ऐसे करके ए पार्ट, ये ए पार्ट है। ठीक, और वैसे ही मैं इसके जस्ट इसके ये कौन सा है, सेवेंथ है। अब जी एट जो प्रोसीजर है वो हम लोग इसमें BST क्लास 11 एक्सपोर्ट प्रोसीजर, प्रोसीजर के बी में कर दूंगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि ये ए पार्ट ये है, बी पार्ट ये है, और ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा इसके बारे में। ओके, तो जी इसी के साथ मैं चलता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो चलिए बाय, अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।